हर हर महादेव, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में काला सांप पानी में तैरते हुए देखना कैसा होता है, या सपने में पानी में सांप देखना कैसा होता है। दोस्तों, सांप की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती है जो जल में रहती है। दोस्तों, जिस प्रकार जमीन पर एक संसार है, उसी प्रकार पानी में भी एक पूरा संसार है। आपको जल में समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर, समुद्री सांप, इसके अलावा बहुत सारे जीव देखने को मिल जाएंगे। अभी तक की खोज में समुद्री इंसान नहीं मिले हैं। आशा है कि भविष्य में समुद्री इंसान भी मिल जाएंगे। बात करते हैं सपने में काले सांप को साफ पानी में तैरते हुए देखना कैसा होता है। सपने में आपको पानी में तैरता हुआ एक सांप दिखाई देता है तो ये सपना आपके लिए अति शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत माना जाता है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन की खुशी और उत्तेजना में विस्तार होने वाला है। आप जिस काम को बेमन से कर रहे हैं या आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो इस सपने के बाद आपका मन लग जाएगा। बात करते हैं सपने में मृत काले सांप को पानी में तैरते देखना कैसा होता है। दोस्तों, आप सपने में एक मृत काले सांप को पानी में तैरते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए अच्छा संकेत माना जाता है, जिसके चलते आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई नया सलाहकार आने वाला है, जिसकी सलाह पर चलकर आप कुछ ही दिनों में धनवान इंसान बन जाएंगे। इसके साथ ही ये सपना आपको इस बात का भी संकेत देता है कि आपको आने वाले दिनों में ऐसी जगह से भी लाभ हो सकता है जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब बात करते हैं सपने में पानी वाले सांप को काटते देखना कैसा होता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि पानी वाला सांप आपको काट लेता है तो ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अधिक मेहनत और संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता और उन्नति मिलेगी, यानी आपको झूठी उम्मीदों को छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सपने में सांप के साथ खुद को तैरते देखना कैसा होता है। यदि आप सपने में पानी में सांप के साथ खुद को तैरते हुए देखते हैं तो ये सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं और आप उन्नति करने वाले हैं। अब बात करते हैं सपने में गंदे पानी में सांप को देखना कैसा होता है। यदि आप सपने में गंदे पानी में सांप को देखते हैं तो ये सपना संकेत देता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। इस सपने को देखने के बाद आपको चिंता करने से बचना चाहिए, नहीं तो ये चिंता आपको बर्बाद कर देगी। अब बात करते हैं सपने में सांप को पानी पिलाते देखना कैसा होता है। आप अपने हाथों से काले सांप को पानी पिला रहे होते हैं तो ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको प्राकृतिक तत्वों के साथ लड़ना पड़ सकता है। इसके साथ ही ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके शरीर में ऐसे विकार उत्पन्न होने वाले हैं जिनका इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। अब बात करते हैं सपने में सांप को बिना हलचल पानी पर चलते देखना क्या मतलब है। सपने में अगर आप किसी सांप को पानी के ऊपर ऊपर चलते हुए देखते हैं, आप देखते हैं कि सांप पानी के अंदर जरा सा भी नहीं डूबा है। वो पानी के ऊपर इस प्रकार तैर रहा होता है जैसे पानी के अंदर कोई घास का तिनका पड़ा हो। तो ये सपना आपकी भावनाओं का प्रतीक हो सकता है जो आपकी चिंता या ज्ञान के बिना आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। सांप पानी के ऊपर चल रहा है और आप सांप के पीछे पीछे पानी पर दौड़ रहे हैं, तो ये सकारात्मक अर्थ को दर्शाता है। ये सपना बताता है कि आगामी दिनों में आपके अंदर खतरों के डर का इलाज होने वाला है। अब बात करते हैं सपने में सांप को पानी पीते देखना क्या मतलब है। आप सपने में एक सांप को नल या तलब से पानी पीते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। इस सपने के अनुसार आने वाले दिनों में आपकी वो मनोकामना पूर्ण होने वाली है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो सफल हो जाएंगे। यही सपना किसी विद्यार्थी को दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसके चलते हुए आप पढ़ाई लिखाई में होशियार बन जाएंगे। इसके साथ ही ये सपना वासना की पूर्ति का संकेत देता है कि लंबे समय तक आप अपनी काम वासना को दबाए हुए थे, जल्द ही वो काम वासना पूर्ण होने वाली है। अब बात करते हैं सपने में सांप को पानी से पकड़ लेना कैसा होता है। अगर कोई सपने में किसी सांप को पानी से जाल आदि मन पकड़ लेता है तो ये सपना आपके जीवन में किसी रिस्की काम को करने से मिलने वाले बड़े लाभ की ओर ही संकेत करता है, जिसके तहत आने वाले दिनों में आपको अधिक धन मिलेगा लेकिन उसमें जान का जोखिम ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सपने में बहुत सारे सांपों को पानी में तैरते देखना कैसा होता है। क्या मतलब है, अगर आप सपने में बहुत से सांपों को पानी में तैरते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके जीवन में चल रही बहुत सी चिंताओं की ओर ही संकेत करता है।
जिनसे बचने के लिए आपको अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब बात करते हैं सपने में पानी में मरा हुआ सांप देखना क्या मतलब है। अगर आप सपने में किसी सांप को पानी में मरा हुआ देखते हैं तो ये सपना आपके जीवन में चली आ रही बड़ी परेशानियों के अंत की ओर ही इशारा करता है, जिसके चलते आपको बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं सपने में सांप को पानी में तैरकर अपने पास आते देखना कैसा होता है। अगर आप सपने में किसी सांप को पानी में तैरकर खुद के पास आते हुए देखते हैं तो ये सपना काफी अच्छा माना जाता है, जो कि ये सपना जीवन में मिलने वाले किसी बड़े पद की ओर संकेत करता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।